Hi everyone, this is your friend Erica and welcome to Cricket Insomnia. Cricket की हर खबर मिलेगी इधर. 2023 World Cup में अब कुछ ही दिन बचे हैं और क्रिकेट की रोमांचक दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा कि 2019 के World Cup के फाइनल मैच में हुआ था, जिसने इस मैच को World Cup का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फाइनल्स बना दिया था. अगर आप 2019 के फाइनल मैच की कॉन्ट्रोवर्सी को भूल गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है. जी हाँ, आपने सही सुना, कॉन्ट्रोवर्सी, वर्ल्ड कप फाइनल्स की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी. तो 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा क्या हुआ था जिससे इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीत के भी विलन बन गई और न्यूजीलैंड हार के भी हीरो बन गई. 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पे ऐसा हुआ जिसने 44 साल के इतिहास को भी बदल दिया, क्योंकि कई सालों के लंबे इंतजार के बाद इंग्लैंड की टीम पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीती थी. फिर भी इंग्लैंड की टीम को इस कप का असली दावेदार नहीं माना गया. तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप मुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं. इंग्लैंड जहां से 14 जुलाई 2019 इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया 2019 का वर्ल्ड कप का मुकाबला, एक ऐसा दिन था जब क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स का हिस्टोरिकल मैदान वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया चैंपियन देने की तैयारी में था और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम का लंबा इंतजार भी खत्म होने वाला था. जिस देश से क्रिकेट जैसे मशहूर खेल की शुरुआत हुई, लेकिन वो ही इस खेल के सबसे बड़े खिताब को जीतने में बरसों लगा के पहली बार 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था और 2019 तक इंग्लैंड ने एक भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती थी. तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी में. इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को करारी मात देकर 27 साल बाद फाइनल में एंट्री की थी और इस मौके को वो किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती थी. अब लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट्स पर 241 रन्स बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम भी 241 रन्स में ही सिमट गई. ऐसे में ये मैच टाई हो गया और ये एक ऐसा खास मौका था जब वनडे में पहली बार सुपर ओवर के रूल को लागू किया गया. सुपर ओवर का होना ही इस मैच में विवाद की शुरुआत का जन्म था, क्योंकि सुपर ओवर में दोनों ही टीम्स ने 15-15 रन्स बनाए और आखिर में मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला. तो मैच और सुपर ओवर दोनों के टाई होने के बाद आईसीसी के बाउंड्री काउंट रूल को लागू किया गया, जिसके हिसाब से इंग्लैंड की टीम को विजेता घोषित कर दिया गया. तो अब अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये बाउंड्री काउंट रूल होता क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है ये बाउंड्री काउंट रूल. बाउंड्री काउंट रूल वो होता है जिसमें जिस भी टीम ने ज्यादा चौके लगाए हैं उसे विनर माना जाता है और यहीं से मैच का सबसे बड़ा विवाद भी साबित हुआ और इसका विरोध होने के बाद आईसीसी को इस रूल को बदलना भी पड़ा. इस टूर्नामेंट में उठे विवादों का एक और कारण भी था, जिसके बेस पर सबका यही कहना था कि सुपर ओवर होने का कोई मतलब ही नहीं था और वजह थी बेन स्टोक्स के बल्ले से आखिरी बॉल पर आए 6 रन्स. फाइनल मैच के आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर बेन स्टोक्स ने डीप मिड विकेट पर शॉट खेला था और मार्टिन गप्टिल ने बॉल को विकेट कीपर के छोर पर फेंकी, जिसके बाद स्टोक्स ने अपनी क्रीज पर पहुंचने के लिए डाइव लगाई, तभी बॉल स्टोक्स के बल्ले से लगकर बाउंड्री की तरफ निकल गई और जिसके चलते आखिरी में इंग्लैंड को 6 रन्स मिले थे. और बाद में यही इंसिडेंट कंट्रोवर्सी का कारण भी बना, क्योंकि बेन स्टोक्स के बल्ले से आए उन रन्स को मान्य नहीं माना जा रहा था. तो आखिर में हालांकि इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप विजेता रही, लेकिन 2019 के इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद और इतने सालों के इंतजार के बाद भी इंग्लैंड की टीम को वाहवाही से ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के एफर्ट्स की सबने जमकर तारीफ की. फैंस ने इंग्लैंड की जीत के खिलाफ ये तक कह दिया कि इंग्लैंड को सच्चे खेल की भावना दिखानी चाहिए थी,
और बिना किसी पार्शियलिटी के खेलना चाहिए था और तब जाकर ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपनी दावेदारी जतानी चाहिए थी। चलिए अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें। इसके साथ अब आप सारी अपडेट्स हमारी ऐप पर भी पा सकते हैं। बस जाइए प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए क्रिकेट इंसॉम्निया, ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई खबर के साथ क्रिकेट इंसॉम्निया पे। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। दिस वॉज योर फ्रेंड एरिका साइनिंग ऑफ। बाय फॉर नाउ।